192 का टारगेट था इंडिया को ये फोर्थ टेस्ट मैच में, और क्या हुआ भाई, 99 पे दूसरी विकेट गिरी, 100 पे तीसरी, 120 पे चौथी और पांचवी। भाई साहब वहां पे सभी का रिएक्शन, वो रवि शास्त्री वाला था, देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। लेकिन वहां से शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने पारी को संभाला और इंडिया को टारगेट के पार लेकर गए। इस वीडियो में अब बात करते हैं पूरे टेस्ट मैच के रिव्यू के बारे में, तो आप सभी का स्वागत है। इंडिया ने अपने लाइनअप में जसप्रीत बुमराह को बाहर निकाल कर रेस्ट दिया, आकाशदीप को अंदर लेकर आए, और इंग्लैंड की टीम में दो चेंजेस थे, वो था ऑली रॉबिन्सन और शोएब अख्तर अंदर आ गए। इंग्लैंड ने टॉस जीता, बैटिंग करने का किया था फैसला, और शुरुआत तो अच्छी भी थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लेकिन अच्छी भी थी। 47 रन पे जाके पहला विकेट गिरा था, जैक रॉली बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव खेल रहा था, लेकिन डकेट को आउट किया, ओली पोप आउट हो गया वहां पे, आकाशदीप के टेस्ट करियर के पहले दो विकेट। फिर थोड़े से रन बनने के बाद जैक रॉली को आउट किया, पहले तीन विकेट सबके सब आकाशदीप के नाम रहे। फिर एंट्री होती है आउट ऑफ फॉर्म जो रूट की, जिसके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं बन रहे थे, वहां पे पार्टनरशिप बनी 50 रन की जो रूट और बेस्ट्रो के बीच में, और बेस्ट्रो अच्छा लग रहा था लेकिन 50 मिस किया, 38 पे आउट हो गया। एक टिपिकल जो रूट इनिंग्स हमको देखने मिली इस इनिंग्स में, 122 बनाए 274 बॉल्स में, 44 का स्ट्राइक रेट था, फंकी शॉट जो लगा रहा था बैट बॉल के चलते वो हमको देखने नहीं मिला, पहले बेस्ट्रो के साथ पार्टनरशिप भी, उसके बाद बेन फोक्स के साथ पार्टनरशिप भी। बेन स्टोक्स जब आउट हुआ तो 112 पे स्ट्रगल कर रही थी इंग्लैंड, और वहां से 100 प्लस रन की पार्टनरशिप बेन फोक्स के साथ, 245 और 7 में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो ओली रॉबिन्सन के साथ 100 प्लस रन के एक और पार्टनरशिप देखने मिली, जिसमें रॉबिन्सन 58 बनाया था 96 बॉल में, काउंटर अटैक किया था इंडियन बॉलर्स के ऊपर। इंग्लैंड ऑल आउट हुई 353 रन पे, जिसमें तीन विकेट आकाशदीप को मिले, चार विकेट मिले जडेजा को और दो विकेट मोहम्मद सिराज को। जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई फर्स्ट इनिंग्स में तो रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जयसवाल और शुभमन गिल के लिए जो पार्टनरशिप हमको पूरे थ्रू आउट द सीरीज देखने मिली है वो एक बार फिर यहाँ पे इसमें देखने मिले। 82 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में थी, शुभमन गिल आउट हो गए। फर्स्ट इनिंग्स का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में बंदा परफॉर्म करता ही करता है। फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स दोनों में रजत पाटीदार ने निराश किया, 17 पे यहाँ पे आउट हो गए, जडेजा भी जल्दी आउट हो गए, वो दो विकेट जो थे वो लगातार आगे पीछे गिरे, और असल में डर तब लगने लगा जब यशस्वी जयसवाल आउट हो गए 161 पे। लेकिन उधर एंट्री भी ध्रुव जुरेल की, ध्रुव जुरेल की वो इनिंग्स कुलदीप यादव के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, 90 रन उसने बनाए, जहाँ पे एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 200 मुश्किल से पहुंच पाएगी, वहां पे ये स्कोर चला गया 307 पे, 307 पे ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। इंग्लैंड की तरफ से उस इनिंग्स में शोएब बशीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेट उसको मिले, 3 विकेट मिले टॉम हार्डी को, और 2 विकेट मिले थे जेम्स एंडरसन को। 46 की लीड थी इंग्लैंड की टीम के पास, और सेकेंड इनिंग्स में जब वो बैटिंग करने आए तो एक बार फिर शुरुआत उतनी कुछ खास नहीं थी, 19 पे 2 विकेट जल्दी गिर गए, आर अश्विन हैट्रिक पे थे, हैट्रिक नहीं हुई, जैक रॉली ने काउंटर अटैक किया, 60 रन उसने बनाए, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं टिका, लगातार विकेट गिरते रहे, आर अश्विन को 5 विकेट मिले, कुलदीप यादव को 4 और 1 विकेट मिली रविंद्र जडेजा को। इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई 145 के स्कोर पे, और टीम इंडिया को टारगेट मिला 192 रन चेज करने का। रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल की शुरुआत बहुत ही सही भी थी, बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे, लेकिन वहां भी यशस्वी जयसवाल आउट हुए, रोहित शर्मा बहुत ही नाखुश थे उस पे, और बंदा जैसे ही नाखुश था यशस्वी जयसवाल के ऊपर खुद गलती कर बैठा कुछ ओवर के बाद, 55 के स्कोर के ऊपर वो भी आउट हो गया, एंट्री भी पट्टीदार की और वैसे एग्जिट हो गया, डक पे बेचारा एक बार फिर आउट हो गया और निराश एक बार फिर किया इंडियन फैंस को। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ऐसे लग रहा था कि एटलीस्ट अब ये तो लेकर जाएंगे, लेकिन वहां पे भी 2 विकेट गिर गए, पहले रविंद्र जडेजा उसके बाद सरफराज खान, लगातार 2 बॉल पे शोएब बशीर को विकेट मिल गई, वो भी हैट्रिक पे था, ध्रुव जुरेल आया और उसने संभाला शुभमन गिल के साथ। 52 रन की बारी शुभमन गिल की, 39 की ध्रुव जुरेल की, और सही सलामत इंडिया को पार ले गए और ये टेस्ट मैच जीता। सीरीज में लीड मिली है 3-1 की, और ऑफिशियली अब इंडिया इस सीरीज को जीत गई है, अब एक ही टेस्ट मैच बचता है धर्मशाला में होने वाला। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर को 3 विकेट मिले, 1 विकेट 2 रूट और टॉम हार्डी को भी मिली, प्लेयर ऑफ द मैच मिला ध्रुव जुरेल को, जिसकी वजह से ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं इंडिया जीती है। सेकेंड इनिंग में भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बनाए शुभमन गिल के साथ। अब फिफ्थ टेस्ट जो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ये बहुत सारे दिनों के बाद है, ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद है, तो 7 मार्च को होगा फिफ्थ टेस्ट मैच शुरू, तब तक क्या करें, ये अगर आपको सवाल होगा तो आपको पता ही होगा WPL शुरू हुआ है और उससे रिलेटेड कंटेंट भी हमारे चैनल के ऊपर आता है, तो जुड़े रहो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी जल्दी हेल्प करो मेरे को ग्रो करने में, भाई तुमसे ही एक्सपेक्टेशन रखूंगा ना, तो प्लीज सपोर्ट कर देना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम पे जो होती है दूसरे चैनल के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय।